Assalamualaikum guys, this is Omar Basil and today's video is gonna be a little bit different क्योंकि आज का जो वीडियो है कोई नॉर्मल सा ब्लॉग वगैरह नहीं है neither I am going to show something about the Kashmir but this is a Kashmir, this also represents the Kashmir. ये है हमारे नशीद सिंगर और बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन कश्मीर के और इन्होंने बहुत ही लोगों को इंस्पायर किया है स्पेशली द यूथ. Today we are going to interview a famous personality of Kashmir, actually a Nasheed singer who also represents the Kashmir all over the world. और आज हम बात करेंगे यहाँ पे मीर साकिब मुश्ताक से जो बहुत ही फेमस हैं नशीद सिंगिंग के लिए एंड द फर्स्ट नशीद सिंगर ऑफ कश्मीर. वेलकम मीर साकिब मुश्ताक. अब ठीक है, आपके बारे में तो बहुत सारे चर्चे हैं माशाल्लाह, हमने सुना है. तो आपने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि राइट नाउ पीपल आर लविंग द म्यूजिक पॉप दिस एंड दैट, इसके बीच में आपने कहाँ से नशीद सिंगिंग का यहाँ पे स्टार्ट किया? एज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब कि किस तरह वो नशीद की तरफ भागे जा रहे हैं, दैट्स अ रीज़न कि उनका रुझान आपकी वजह से हुआ है. सबसे पहले मैं आपके जो व्यूअर्स वगैरह हैं उनको भी सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा. अस्सलाम वालेकुम. ऐसा नहीं है कि नशीद का जो है रुझान नहीं है लोगों का या कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब एक चीज़ है कि एक तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि मीनिंग पता नहीं है नशीद का लोगों को. सुनते तो सब हैं, यहाँ पर रिनाउंड नशीद आर्टिस्ट जो रहे हैं मरहूम जुनैद जमशीद भाई, जो पाकिस्तान के बहुत ही अजीम शख्सियत थी, वही एक इंस्पिरेशन रही बेसिकली. मैं जब बाहर था तो बाहर उनके वीडियोस वगैरह देखता रहता था, तो वो एक इंस्पिरेशनल पॉइंट बन गया मेरे लिए. उसके अलावा और एक भाई थे जुनैद भाई, वो सारे गा पा में, वो भी एक पॉप सिंगर ही थे. तो फिर उन्होंने म्यूज़िक छोड़ी और उसके बाद अल्लाह ने उनको कबूल किया अपने रास्ते के लिए और दीन का काम करने लगे, तो दीन फैलाने लगे, इस्लाह करने लगे, दावा देने लगे नॉन मुस्लिम्स को. तो वो एक इंस्पिरेशनल पॉइंट रहा और मेरा जो जहनी रुझान है इसकी तरफ आ गया. तो अब हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों में एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्रिएट हो. और म्यूज़िक के अलावा भी कुछ अल्टरनेट्स हैं हमारी सोसाइटी में, तो उस हिसाब से हमने कोशिश की, हमने एफर्ट्स उठाए. अल्हम्दुलिल्लाह टू सम एक्सटेंट वी आर सक्सेसफुल, लेकिन अभी भी कुछ हद तक कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है लोगों में कि नशीद और नात में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते लोग. और नशीद जैसे एक कॉमन मैसेज होता है, जनरल मैसेज होता है लोगों के लिए, इसमें आप कह सकें कि सोसाइटी के लिए भी हम कुछ बना सकते हैं जो कि सोशल चेंज के लिए बनाया जा सकता है, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द नशीद. तो बाकी रुझान लोगों का है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से. हाँ, बट देयर इज़ लाइक जैसे आपने बोला कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, बट आई वॉज इन दिल्ली, द टाइम आई वॉज इन दिल्ली मैंने आपकी वीडियो देखी थी एंड आई रेडिली कॉन्टेक्टेड माई फ्रेंड्स. मैंने उनसे बोला कि भाई ये लड़का कहाँ पे है, इस तरह नशीद वगैरह, तो इस तरह है कि मतलब मैं बाहर रहने के बावजूद भी मुझे आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई एंड आई हर्ड दैट आपने मतलब एक सबसे पहले जो यहाँ पे वो जो कॉन्सर्ट किया था, फर्स्ट नशीद कॉन्सर्ट इन आई थिंक इन इंडिया, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट कि बाहर जगह होता है कि नहीं, मतलब विद इन इंडिया. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया था कि मैं भी बाहर देख रहा था वो वीडियो, मैंने वहाँ पे देखी. तो कैसे आपने मतलब बाहर अप्रोच करके बाहर से भी सिंगर यहाँ पे लाए और वगैरह वगैरह, वो सब सारा प्रोसीजर और टिकेटिंग वगैरह ये सारा मैनेज कैसे किया? असल में ये एक इंसान के एफर्ट्स, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने वादा किया है कुरान शरीफ में कि जो इंसान जिस चीज़ पर मेहनत करेगा, आप यहाँ पर खराफात देख लीजिए, खराफात में भी अगर एक इंसान मेहनत करेगा तो रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे, शर्त यह है कि कितनी इंसान एफर्ट अपनी तरफ से लगाएगा. दूसरी बात यह कि हमारा ये प्रोग्राम जो था फर्स्ट इंटरनेशनल नशीद कॉन्सर्ट, ये 2014 में होना था असल में. मुझे याद है 21 सितंबर हमारा प्रोग्राम होना था 2014. तो हम दो तीन लड़के थे, एफर्ट्स लगा रहे थे, बिल्कुल टीम हमारे पास नहीं थी उस वक्त,
लेकिन हमने कोशिश की थी और अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स आई थी क्योंकि पहला कॉन्सर्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 सितंबर को यहाँ सानिया पेश आया, सैलाब आ गया और उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम। और हमने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई थी उसमें अपने एंड से, तो अल्लाह का ये फजल भी था कि अपनी कंपनी भी थी और जिसके ज़रिए से एक बैकबोन रहा था मेरे लिए। मेरे वालिद साहब एक आर्टिस्ट भी हैं और उसके अलावा उनकी अपनी कंपनी भी है, तो 2-3 कंपनीज अपनी थी। अल्लाह ने एक जरिया रखा था लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि अगर आप जो भी लोगों तक मैसेज कन्वे करना चाहें उसके लिए पैसा ज़रूरी होना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। तो वो एक जरिया था अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंचने का। लेकिन जो हमारा ये 21 सितंबर का था प्रोग्राम, इसमें हाफिज़ मीज़ान और जुनैद जमशेद भाई को हमने इंट्रोड्यूस करा था प्रोग्राम में कि हम उनको बुलाएं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो प्रोग्राम नहीं हो पाया और ये स्किप होके 2015 7 जून को ये प्रोग्राम हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी ये हुआ कि जुनैद जमशेद भाई नहीं आ पाए, उस वक्त उनका बिजी स्केड्यूल था वो नहीं आ पाए। लेकिन हाफिज़ मीज़ान भाई से जो मैनचेस्टर लंदन में रहते हैं, बेस्ड है वो वहाँ, तो वहाँ उनसे कांटेक्ट करके फिर से अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ आए। बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत ही एफर्ट्स उठाने पड़े उनमें। मेरा जो सबसे अजीज़ दोस्त है हुजरत भाई और वासिफ भाई, जो कि पहली बार मैं किसी बंदे से मिला, मैं इनफेक्ट नमाज का वक्त था, असर का वक्त था, उनसे मिलकर मेरी पहली मुलाकात थी और फिर हमने इकट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और सक्सेसफुल इवेंट रहा ये, क्योंकि पहली बार कश्मीर में होना था, वो भी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, और इंडिया में भी पहली बार होना था। कॉन्सेप्ट बहुत कम था लोगों में, लेकिन अल्लाह के फजल से जो हमने रेस्पॉन्स सोचा था उसके बरक्स बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा उस प्रोग्राम। हाँ, तो हमने ये बात भी मतलब बाय द टाइम आपके बारे में देखते देखते, लोगों से पूछते पूछते, अपने फ्रेंड्स से भी हमने कंफर्म किया। कैसे आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो गई कि मतलब फ्रॉम अ सिंगिंग, कि मैंने सुना है कि आप भी पहले सिंगिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था आपका, कैसे आपका रुझान एक सिंगिंग से लेकर मतलब म्यूज़िक को छोड़कर उसके बाद नशीस वगैरह उस चीज़ में, और आजकल आपके ऑनलाइन भी मतलब शोज शाम को नाच वगैरह का होता है, नशीद्स का होता है, कैसे कैसे आपके अंदर ये चीज़ें आ गई है, हाउ इट ट्रांसफर्ड, आई जस्ट वॉन्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंसान का जहन जाना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, ये कैसे हुआ? असल में यही चीज़ होती है कि जब एक इंसान गौर फिक्र करता है, जब सोचता है कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या असल में। मुझे याद है कि जब हमारी स्टूडियो हुआ करती थी, पहली साउंड प्रूफ स्टूडियो कश्मीर की थी, SMV गोल्डन प्लाजा के नाम से, मेरे वाले साहब रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे। तो उसके बाद 2003 में हमने वाइंड अप करनी पड़ी, हमारा बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो गया, 15.5 लाख रुपीज़ वी लॉस इन बिजनेस। हमने बिजनेस वाइंड अप करके, क्योंकि मेरा एक ही गोल था कि मुझे ये रिवाइव करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे चैलेंजेस उस वक्त देखे थे। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, ग्रेजुएशन हो गई, फिर मेरा जॉब लग गया बाहर IBM में, मैं वहाँ भी कॉन्सर्ट्स करता रहा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स थे वहाँ पे, शाबाश IBM, IBM कॉन्क्लेव अवार्ड्स, बहुत अप्रिसिएशन मिली, बहुत उन्होंने मुझे सराहा काम के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया इस काम के लिए। लेकिन मैं ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ नसीहतें मिली, मिरेकल्स ऑफ अल्लाह, मैं ज़्यादा वीडियोस देखता रहा, और सबसे जो इंस्पिरेशनल पॉइंट मेरे लिए रहा, मैंने एक मछली को देखा, तो मछली को मैंने अल्लाह का जिक्र करते हुए देखा, अल्लाह 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 करता रहा। तो जो ही मैंने वो एक वीडियो देखी, मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है एंड वी आर रनिंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स। तो वो एक इंस्पिरेशनल पॉइंट रहा और मैंने खुद से वादा किया कि कुछ भी हो जाए, और मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उस वक्त सोनिक एंटरप्राइजेस, मैंने उनके साथ बात की एल्बम के लिए, और वल्लाह अलअज़ीम मुझे खुद भी पता नहीं था कि फिर मैं यहाँ वापस आ गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ नजम नशीद के नाम से ये स्टार्ट स्टार्ट करूँगा। और अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने रास्ते खोले और इंटरनेशनल नशीद कॉन्सर्ट हो गया, जुनैद जमशेद पे प्रोग्राम हो गया। और मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूँगा जो म्यूज़िक के साथ इस वक्त हैं, कोई भी इंसान किसी को हकीर नहीं समझ सकता। मैं उनको ये बोलूँ कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि
क्योंकि मरहूम जुनैद जमशेद भाई एक इंस्पिरेशन रहे हैं, एक आइकन रहे हैं सभी लोगों के, जो भी चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो। तो उनको अगर वो म्यूज़िक नहीं छोड़ते तो रहीमुल्ला उनको कोई नहीं पढ़ता, अभी अभी हम रहीमुल्ला पढ़ते हैं या उनको दुआ देते हैं। तो अल्लाह ने उनकी जो है कदर जो है ज़्यादा की, लोगों ने भी कदर की। वो किस वजह से? जब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने उनके दर्जात बुलंद किए, क्योंकि उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने फील्ड को छोड़ा और अल्लाह ने रास्ते ऐसे खोले कि दुनिया भर में उनके शॉप्स वगैरह खुले, आउटलेट्स खुले जे के नाम से, और उनका नशीद का जो एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहा और जो रिनाउंड नशीद है कि मेरा दिल बदल दे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी वो आगे गए नशीद फील्ड में भी। इलाही तेरी चौखट पर वो एक नशीद कही हुई थी उन्होंने, लाइक कि जो एक जरिया था कमाने का, अल्लाह ने जरिया तो एक तो भेजा, उसका अल्टरनेट भेजा, प्लस उनका बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड हो गया। ये असल में पूरा जहन के मुताबिक और आपके एफर्ट्स तक है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेंगे और किस तरीके से उनको आगे जाके प्रैक्टिकली आप शेप देंगे। तो ये सारी चीज़ें ओके एज अभी कुछ दिन पहले भी मुझे आपका कोई पोस्टर दिखा, क्योंकि वी आर नाउ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक ऑल्सो, कि आपका कोई नया भी एल्बम आने वाला है जी इंशाल्लाह। तो वो कौन सा, कब कैसे हुआ वो नया एल्बम? आई डोंट नो, वेल आई हैव हर्ड अबाउट द तौबत नसूहा, कि वो कितना मतलब लोगों ने उसकी सीडीज़ वगैरह लोगों के घरों में है, इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पास भी है, तो मैंने वो सुनी, बहुत अच्छी है। अब ये नया एल्बम कौन सा एल्बम है, मुझे प्लीज एलैबोरेट अबाउट दिस एल्बम। असल में ये एल्बम नहीं, एक पर्टिकुलरली पहली नशीद वीडियो है जो हमने बनाई है, कोशिश की है इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर लोगों तक पहुँचाते। हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं, ये एक दुआ है, हम्द है असल में, मेरे मौला करम हो करम। तो हमने इसमें बिल्कुल डिफरेंट लोकेशंस में शूट किया है, और इसकी जो पर्टिकुलरली थीम है वो इट्स बेस्ड ऑन ओबीडियंस एंड सबमिशन योर विल टू अल्लाह सुब्हान व तआला। सबसे मेन फोकस हमारा यही है कि ये जब नशीद स्टार्ट होती है, ये एक गुनाहगार बंदा होता है, इसको पेड़ के मतलब थका हारा रहकर फिर ये पेड़ की तरफ जाता है, इसको नींद आती है, एंड ये इसको एक ड्रीम आता है कि मैं नेक बन रहा हूँ, अच्छा बन रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह के क्लोज जा रहा हूँ। तो उसके बाद एब्रप्टली थंडरस्टॉर्म होता है और ये उड़ जाता है, एंड ही यू नो शॉक हो जाता है ये अपने एंड से कि मैं कहाँ हूँ। फिर ये वजू करता है, एब्लूशंस करता है, उसके बाद नमाज पढ़ता है, अल्लाह के दरबार में रो रो के गिड़गिड़ाता है और तौबा करता है। इट्स बेसिकली ऑन रिपेंटेंस एंड ओबीडियंस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेन थीम इसकी यही है हमारी इंशाल्लाह। और ये जो नशीद है ये हमने इसीलिए बनाई क्योंकि इसमें हम थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ थी, और बहुत ही रिनाउंड नशीद भी है, और इसको नशीद भी बनाया है, और बॉलीवुड कुछ सिंगर्स हैं उन्होंने भी गाया है इसको। तो हमने पर्टिकुलरली इसी नशीद को क्यों लिया, इसी हम्द को क्यों लिया, ताकि जो लोग इस गाने को सुनते आ रहे हैं, हम इसको एक इस्लामिक वे दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और हम तो म्यूज़िक से लोगों को रोक नहीं सकते ऐसे डायरेक्टली, लेकिन उनको एक अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उनको ग्रैब कर सकते हैं, ताकि वो फोर्सफुली म्यूज़िक को नहीं छोड़े, वो अपनी विल से गुड प्रोसेस, गुड प्रोसेस। क्योंकि अब अगर एब्रप्टली हम उनको बोलेंगे कोई चीज़ छीनेंगे तो मतलब आज तो छोड़ा, 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद 4 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर आ जाती है वापस। अब जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस हो जाएगी कोई चीज़ तो ये दिल से भी निकल जाती है। तो वो हमारा पर्पस रहा है इस नशीद वीडियो के ज़रिए से, इंशाल्लाह होपफुली हम इसमें कामयाब हो जाए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है। आई होप, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो। तो ये इन द कमिंग डेज आ रही है, बिल्कुल 30th of August को इंशाल्लाह रिलीज होने जा रही है इंशाल्लाह। अल्लाह इसमें जो हमने एफर्ट्स उठाए हैं, टीम ने एफर्ट्स उठाए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एफर्ट कबूल फरमाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, बहनें हैं, उन सब पे डिपेंड करता है कि वो कितना शेयर करेंगे, कितने लोगों तक इस नशीद को पहुँचाएंगे, क्योंकि तब ही पॉसिबल हो पाएगा जब लोग एफर्ट्स उठाएंगे, जब लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। अदरवाइज़ हमने तो एफर्ट उठाया है, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, हमारे तक ही रहेगा।
दैट इट वोंट बी पॉसिबल कि हम exactly. उस एग्जैक्टली उस रास्ते को चुने, उस वे को चुने जो हमारा मेन फोकस रहा है. तो सबसे जो मेन एफर्ट अब उठाना है वो लोगों को उठाना है शेयर करके. सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा मीर साकिब मुश्ताक से मिलके और इनसे बात करके. तो आई वुड लाइक टू, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत हमारे लिए यहाँ पे एक नशीद के कुछ मिसरे गा के सुने. ठीक है, मैं एक दो मिसरे उसी नशीद के आप सब लोगों के सामने पेश करने की सादत हासिल करता हूँ. तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 ही अच्छी आवाज़ दी अल्लाह पाक ने आपको. इसके लिए बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा इंसान को, है ना. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस छोटी सी चैनल पे आने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं है. तो आई होप क्या हमारे आपके सदर आपते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी, और आपका हमें सुनने को हमेशा मिलेगा इंशाल्लाह. आगे भी एल्बम्स आते रहेंगे इंशाल्लाह, आगे भी आपके नशीद के प्रोग्राम्स आते रहेंगे. जैसे कि पिछले साल भी हुआ था जुनैद जमशेद कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मैं खुद भी था. अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगा. तो इंशाल्लाह आगे वाले इवेंट्स में इंशाल्लाह हमें भी थोड़ा आगाही किया करें ताकि हम भी लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ इंशाल्लाह. और आपके यूथ के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ? ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ ये उन भाइयों को बहनों को जो कि सिंगिंग फील्ड को चुन चुके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और आप अपनी आवाज़ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक समझने वाली बात है, जो सबसे पसंदीदा हो आपकी ज़िंदगी में इंसान, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. और चाहे वो माँ हो, बाप हो या कोई और इंसान हो, तो आप ये चाहेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी किस तरीके से मिले. इसी तरीके से जिसने ये कायनात बनाई, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपके दिल को बनाया, सबसे बड़ी चीज़ है दिल. जब आपके पास दिल है, जब आपके पास ज़मीर है, तब आपके पास सब कुछ है. तो इंसान बना के अल्लाह सुबहाना ताला ने या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने चैलेंजेस अपनी उम्मत के लिए देखे हैं, फेस किए हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उनकी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सोचते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी खुशी के लिए सोचते हैं. तो हमारा फर्जुल ऐन बनता है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, ना कि दुनिया के लोगों के लिए सब कुछ करें, अपने आप को सबमिट करें. तो मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि आप अपने आप को सबमिट कीजिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला को, और तभी जाके आप अपने एफर्ट्स में, अपने जो भी आपके रास्ते होंगे, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे आपका जो भी फील्ड हो आर्ट के रिलेटेड, तभी जाके आप कामयाब हो पाएंगे. और जैसे आर्ट के रिलेटेड भी मतलब कुछ ऐसे फील्ड हैं जैसे कार्टून्स बनाए जाते हैं या फिर डिफरेंट, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. आर्ट को कंटिन्यू कीजिए लेकिन कन्वर्ट कीजिए, कैलीग्राफी कीजिए या सीनरीज वगैरह बना सकते हैं. यानी अपने आर्ट को आप लाइक बंद खत्म नहीं करना, आपने एक डिफरेंट शेप देनी है उसको. हाँ, एक राइट पाथ पे जा सकते हैं. तो ये एक सिंपल मैसेज है कि अपने आप को जो है एक
थोड़ा सा वक्त देंगे, एक इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप को कि अगर हम मुझ में कोई टैलेंट है, मैं उसको किस तरीके से सही डायरेक्शन दूं ताकि सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहे और मेरे लिए भी अच्छा रहे और पूरी दुनिया के लिए एक पीसफुल जरिया रहे। तो ये एक मैसेज है, प्लीज़ आप इस नशीद को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल नजम नशीद्स के नाम से उसको सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह 30 अगस्त आप सब लोगों के सामने हम ये नशीद पेश करेंगे, आप सब लोगों तक पहुंचेगी। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे या जितने भी आपके सोर्सेज हैं सब पे आप शेयर कीजिए। अल्लाह सुबहान व तआला आपकी हम सब की हिफाजत करें। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू मीर सागर मुश्ताक, अल्लाह उनके इस नियत को बहुत कबूल फरमाए। और मैं आप सब, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इनके जो जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, इनके अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं उसके बारे में भी इनको पता, मतलब आप लोगों को पता चले। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। अगर आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।